दोलन चुंबकत्वमापी की सहायता से दो स्थानों की क्षैतिज तीव्रताओं की तुलना करना, कंपेरिजन ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ऑफ टू प्लेसेस बाय वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। यदि हमें दो स्थानों की क्षैतिज तीव्रताओं की तुलना करना हो तो हम दो स्थान का चयन करते हैं। मान लेते हैं प्रथम स्थान जगदलपुर शहर है जबकि दूसरा स्थान रायपुर शहर है। अब पहले स्थान पर दोलन चुंबकत्वमापी को समायोजित करते हैं। अब चुंबक को रकाब में इस प्रकार रखते हैं कि इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो। अब दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रकाब में रखी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाकर शीघ्रता से दूर हटा लेते हैं। ऐसा करने पर चुंबक दोलन करने लगता है। विराम घड़ी की सहायता से 15 दोलनों को पूरा करने में लगा समय 3-4 बार नोट कर लेते हैं। अब इसका माध्य समय ज्ञात कर लेते हैं। माध्य समय को दोलनों की संख्या से भाग देने पर आवर्तकाल यानी एक दोलन करने में लगा समय ज्ञात हो जाता है। मान लेते हैं प्रथम स्थान के लिए चुंबक का दोलन कर T1 है। मान लेते हैं दिया गया चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I है। मान लेते हैं प्रथम स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता H1 है। तब सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाई एम एच से T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट I बटे एम एच 1 होगी। इसे वर्ग करने पर T1 स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू I बटे एम एच 1। पक्षांतर करने पर एम एच 1 बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू I बटे T1 स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा स्थान पर दोलन चुंबकत्वमापी को ले जाकर समायोजित करते हैं। फिर उसी चुंबक को दोलन चुंबकत्वमापी में रखकर दोलन काल T2 ज्ञात कर लेते हैं। यदि दूसरा स्थान पर पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता H2 हो तो सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाई एम एच से T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट I बटे एम एच 2। वर्ग करने पर T2 स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू I बटे एम एच 2। पक्षांतर करने पर एम एच 2 बराबर 4 पाई स्क्वायर I बटे T2 स्क्वायर। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर एम एच 1 बटे एम एच 2 बराबर 4 पाई स्क्वायर I बटे T1 स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर I बटे T2 स्क्वायर। यहां पर M M से कट जाएगी। इसी प्रकार 4 पाई स्क्वायर I 4 पाई स्क्वायर I से कट जाएगी। इसलिए H1 बटे H2 बराबर T2 स्क्वायर बटे T1 स्क्वायर। इस सूत्र से T1 एवं T2 का मान ज्ञात करके दो स्थानों की क्षैतिज तीव्रताओं का अनुपात H1 बटे H2 ज्ञात कर सकते हैं। दोलन चुंबकत्वमापी को उपयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे उपकरण के नजदीक चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होना चाहिए।
उपकरण को एक बार समायोजित करने के बाद प्रयोग समाप्ति तक हिलाना नहीं चाहिए। दोलन गिनते समय बॉक्स के दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए। प्रत्येक चुंबक को रकाब में इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, अन्यथा धागे में ऐठन उत्पन्न हो जाएगी।